नमस्कार, इनबिसिन के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत इनबिसिन की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। शिवसेना पर हक किसका, शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को फैसला लेने से रोका। मनपा चुनाव, राज्य चुनाव आयोग को एनएमसी का पत्र, आरक्षण के अंतिम घोषणा पर लगी रोक। स्वतंत्रता दिवस को लेकर आईपी का अलर्ट, दिल्ली में लश्करे जैश कर सकते हैं हमला। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू, पीएम मोदी ने डाला वोट, तो वहीं वोटिंग से दूर होगी टीएमसी। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पर ईडी का तलब, आज दर्ज होंगे बयान। आजादी का अमृत महोत्सव की राष्ट्रीय समिति की तीसरी बैठक आज, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे अध्यक्षता, सभी राज्यों के सीएम होंगे इसमें शामिल। कांग्रेस प्रोटेस्ट, काले कपड़ों में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, तो वहीं अमित शाह ने कांग्रेसियों को घेरा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 आठवें दिन भारत में हुई पदकों की बारिश, 3 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन ने उठाया बड़ा कदम, अमेरिका के साथ कई क्षेत्रों में रोका सहयोग। और आजादी के अमृत महोत्सव यानी 15 अगस्त तक सभी एएसआई संरक्षित स्मारकों में निशुल्क होगा प्रवेश।